बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सिक्स क्लास की एक्सरसाइज हम 1B स्टार्ट की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, आज क्वेश्चन 2 करते हैं। 2 है क्वेश्चन, 2 है इसका। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको बिल्डर फॉर्म में हम लोगों ने राइट करना है। बिल्डर फॉर्म कौन सी होती थी, हम लोगों ने पढ़ ली थी बिल्डर फॉर्म। इसमें रूल फॉलो करते हैं हम लोग। तो 2 का 1 पार्ट है, पी इज इक्वल टू ए बी सी जेड तक दिया हुआ है। तो इसको बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब एक्स सच दैट एक्स, वाई सच दैट वाई, एन हो गया जो भी, ए सच दैट ए, इधर वर्ड जो भी लिख सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स थे तो ऐसे आ गया, हम स्टेटमेंट में लिख देंगे। ये सेट बिल्डर फॉर्म में आ गया, कर्ली ब्रैकेट भी यूज़ हुई है। आप क्वेश्चन 2 इसका है, क्यू इज इक्वल टू 2, 4, 6 आप सो ऑन। अब 2, 4 ये इवन नंबर दिए हुए हैं तो इसको हम लोग बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्यू इज इक्वल टू वाई सच दैट वाई इज़ एन इवन नंबर्स। अब ये इवन नंबर दिए हुए हैं तो इसको हम लोग स्टेटमेंट में ऐसे लिख देंगे बिल्डर फॉर्म में। आगे 3 है क्वेश्चन, आर इज इक्वल टू 1, 3, 5, 9 तक दिया हुआ है। तो ये ऑड नंबर दिए हुए हैं तो इसको हम बिल्डर फॉर्म में कैसे करेंगे, आर इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर्स लेस देन 10। ये 10 से कम है ऑड नंबर तो इसीलिए अब आगे मेंशन कर दिया लेस देन 10। उसके बाद क्वेश्चन 4 है, एस इज इक्वल टू ये फ्लावर्स के नेम दिए हुए हैं तो इसको हम लोग आगे बिल्डर फॉर्म में कैसे करेंगे, वाई सच दैट वाई इज़ द नेम्स ऑफ फ्लावर्स। ये बिल्डर फॉर्म में आ गया। उसके बाद क्वेश्चन 5 है, टी इज इक्वल टू मंथ के नेम दिए हुए हैं, जनवरी जून जुलाई, तो एक्स सच दैट एक्स इज़ द नेम्स ऑफ मंथ। तो ये हो गया, ये बहुत ईजी है, ऐसे बिल्डर फॉर्म में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया। आगे है एम इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो इसको बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एम इज इक्वल टू एन सच दैट एन इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। 2 इवन नंबर है ना, इवन नंबर कहाँ स्टार्ट होते हैं, 2 से, 2, 4, 6, 8, तो स्टार्ट 2 से होते हैं, तो उन्होंने कहा स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो इसलिए 2 स्मॉलेस्ट इवन नंबर होगा। एन सच दैट एन इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। इसको ये बिल्डर फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद इसके कुछ पार्ट हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं, ये आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे करते हैं इसको। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1B ही है और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। क्वेश्चन 1 भी हम लोगों ने ऐसे किया था टेबुलर फॉर्म में। आप टेबुलर फॉर्म क्या पढ़ी थी, उसमें था कर्ली ब्रैकेट यूज होती थी और सेपरेटेड बाय कॉमा से करते हैं। तो ये इसके क्वेश्चन भी कुछ हैं, करते हैं हम लोग आगे। सेट ऑफ द डे इज इन अ वीक, इन अ वीक। अब इनको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे आप सोन सैटरडे तक। तो इसको कर्ली ब्रैकेट यूज़ हो गई और सेपरेटेड बाय कॉमा से मैंने कर दिया, ये टेबलेट फॉर्म में इसको लिख दिया। अब क्वेश्चन 2 इसका है, सेट ऑफ द 1-डिजिट नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर लिखनी है और जिसमें 1 डिजिट आता हो, तो इसमें क्या होगा, बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आ जाएंगे। 9 तक 1-डिजिट नंबर होते हैं, 9 के बाद आगे 10 होता है, 10 होता नेचुरल नंबर है बट उसके डिजिट 2 आ गए, इन्होंने 1-डिजिट नंबर का कहा है, तो 9 तक इसके आ जाएंगे। ये हो गया टेबलर फॉर्म में, सेपरेटेड कॉमा से किया हुआ है और कर्ली ब्रैकेट भी यूज़ हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, सेट ऑफ द इवन नंबर बिटवीन 12 एंड 21। इवन नंबर लिखने हैं जो 12 और 21 के बिटवीन हो, दरमियान में हो। सी इज इक्वल टू 14, 16, 18 एंड 20, 20 तक आ जाएंगे इवन नंबर। इसको सेपरेटेड कॉमा से किया हुआ है, कर्ली ब्रैकेट यूज़ हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, सेट ऑफ अ ऑड नंबर बिटवीन 10 एंड 20, 20 और 10 के दरमियान ऑड नंबर लिखनी है। 10 के बाद 11, 13, 15, 17 एंड 19 तक आगे, ये इसको कर्ली ब्रैकेट से क्लोज और किया हुआ है और सेपरेटेड बाय कॉमा से टेबलर फॉर्म में लिखा हुआ है। आगे क्वेश्चन 5 है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्लैनेट। फर्स्ट 5 प्लैनेट्स के नेम लिखने हैं, ई इज इक्वल टू मर्करी वेनस अर्थ मार्स एंड जुपिटर्स। इनको कर्ली ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं और सेपरेटेड बाय कॉमा से किया हुआ है, ये टेबलेट फॉर्म में हम लोगों ने लिख लिया है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 6, सेट ऑफ अ 2-डिजिट नंबर।
हम लोगों ने क्वेश्चन टू में किया था वन डिजिट नंबर, इसको में क्या किया था वन डिजिट नंबर, अब इसमें टू डिजिट नंबर, तो क्या होंगे, 10 स्टार्ट होंगे टू डिजिट नंबर, 10, 11, 12 लेकर 99 तक टू डिजिट, अब 100 में थ्री डिजिट नंबर आ जाते हैं तो 99 तक होंगे टू डिजिट नंबर। इसको टेबलर फॉर्म ऐसे लिखेंगे, सेपरेटेड कॉमा सिक्योर और कर्ली ब्रैकेट यूज़ हुई है। ये होगी एक्सरसाइज कंप्लीट हमारे पास, एक्सरसाइज वन बी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंशाल्लाह करेंगे आगे एक्सरसाइज वन सी।